हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में, अर्थात हॉट स्प्रिंग्स इन झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड में गर्म जलकुंड किन किन जिलों में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में लगभग गर्म जलकुंडों की संख्या 60 है, परंतु दोस्तों इस वीडियो में हम 20-25 इम्पॉर्टेंट जो जलकुंड है उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भूमि का जलस्तर और धरातल का प्रतिच्छेदन के कारण होने वाला यह एक भौगोलिक अवस्था है, और ऐसी भौगोलिक अवस्था में जहाँ से धरती का जल बाहर निकलने लगता है वहाँ गर्म जलकुंड का निर्माण होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जलकुंडों का संबंध डेड वॉल्केनोज अर्थात मृत ज्वालामुखी और रेडियो सक्रिय खनिजों अर्थात रेडियो एक्टिव मिनरल्स से होता है। गर्म जलकुंड में खनिज लवण एवं गंधक अर्थात मिनरल्स सॉल्ट्स एंड सल्फर की मात्रा प्रचुर होती है, जिसके कारण इसमें रोगनाशक शक्ति भी पाया जाता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि हजारीबाग जिले में जलकुंडों की संख्या कितनी है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जलकुंड है। दोस्तों आपको बता दें कि हमें 4 इम्पॉर्टेंट जलकुंड जो हजारीबाग में स्थित है उसके बारे में पढ़ना है। पहला है जलकुंड सूरजकुंड, दूसरा है हरहद जलकुंड, तीसरा कावा जलकुंड, और चौथा जो हजारीबाग जिला में स्थित जलकुंड है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वह है टाइगर प्रपात। दोस्तों आपको बता दें कि सूरजकुंड जलकुंड हजारीबाग जिले के बरकंठा प्रखंड में स्थित है, और यह झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान की बात करें तो इसका तापमान 88 से 88 डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट में बात करें तो 169 से 90 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को यहाँ एक मेला का आयोजन किया जाता है, और अधिक मात्रा में खनिज लवण एवं गंधक के कारण इसमें रोगनाशक शक्ति यानी कह सकते हैं कि चिकित्सीय प्रभाव पाया जाता है। और यह जलकुंड दोस्तों झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जलकुंड है जो हजारीबाग में स्थित है वह हरहद, तीसरा कावा और चौथा टाइगर प्रपात जो बराकर नदी पर स्थित है। ये दोस्तों था हजारीबाग जिले में स्थित जलकुंड। आइए दोस्तों इसे अब मैप के सहारे समझते हैं। दोस्तों अगर हम झारखंड के मैप को 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर गर्म जलकुंड संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में है, और कुछ जलकुंड जो है जो गर्म जलकुंड है वो पलामू के कुछ एरिया में भी है। तो आइए अलग अलग कर जानते हैं कि ये जलकुंड किन किन जिलों में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम लोग हजारीबाग जिले में स्थित गर्म जलकुंड की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये हजारीबाग जिला है, यहाँ जो प्रमुख जलकुंड है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है वह यहाँ पे स्थित है, अर्थात हजारीबाग में स्थित जलकुंड है सूरजकुंड, हरहद, कावा और टाइगर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि दुमका में कौन कौन से जलकुंड है। दोस्तों दुमका जिले में जो गर्म जलकुंड है वह है ततलोई, पातपानी, रानी बहल, भूमका, नुनबिल गर्म जलकुंड, झरिया पानी और बारा झरना। ये 7 इम्पॉर्टेंट जलकुंड हैं, गर्म जलकुंड है जो दुमका जिले में स्थित है। ततलोई गर्म जलकुंड पलासी गांव के भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। तपात पानी कुमराबाद के पास मोर नदी के तट पर स्थित है। रानी बहल के समीप ही स्थित है, और यह भी मोर नदी के तट पर है। रानी बहल के समीप में ही स्थित है भूमका गर्म जलकुंड, यह भी मोर नदी के तट पर स्थित है। नुनबिल गर्म जलकुंड की बात करें तो यह कैनाल गुटा के पास है। झरिया पानी गोपी कांदर के समीप है, और बारा झरना बारा गांव के समीप ही दुमका जिले में स्थित है, और बारा झरना दुमका भागलपुर मार्ग पर स्थित है। आइए इसे भी मैप के सहारे समझ लेते हैं। दोस्तों यह है झारखंड का मैप, और यह है संथाल परगना का एक प्रमुख जिला दुमका, और यही है ये 7 गर्म जलकुंड: ततलोई, तपात पानी, रानी बहल, भूमका, नुनबिल, झरिया पानी और बारा झरना। यह इम्पॉर्टेंट 7 गर्म जलकुंड दुमका जिले में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पाकुड़ जिले में गर्म जलकुंड कौन कौन से स्थित है।
पाकुड़ जिले में गर्म जलकुंड है शिवपुर सोता, जो महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवपुर गांव में स्थित है। बारामसिया जो महेशपुर प्रखंड के ही बिरकी के समीप स्थित है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट गर्म जलकुंड जो पाकुड़ में है वह लाउडला उदह है, जो बोरू नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आइए इसे भी हम जानते हैं मैप के थ्रू। दोस्तों यह है झारखंड का पाकुड़ जिला, जो संथाल परगना में ही स्थित है। यहाँ जो तीन इम्पॉर्टेंट गर्म जलकुंड है वह है शिवपुर सोता, बारामसिया और लाडला उदह। यह पाकुड़ जिला में स्थित प्रमुख जलकुंड है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि धनबाद जिले में गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेतुलिया गर्म जलकुंड, चरक खुद्र जलकुंड और सुसुमपानी जलकुंड, यह तीन इम्पॉर्टेंट गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चरक खुद्र गांव में ही स्थित है, जो धनबाद गोविंदपुर गिरिडीह मार्ग पर स्थित है। और सुसुमपानी गर्म जलकुंड बाघमारा के समीप मोर नदी के तट पर स्थित है। आइए इसे भी मैप में देखते हैं। दोस्तों यह है धनबाद जिला, जो उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है। यहाँ पे जो गर्म जलकुंड है वह है तेतुलिया गर्म जलकुंड, चरक खुद्र जलकुंड और सुसुमपानी जलकुंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब लातेहार जिला में स्थित गर्म जलकुंड। लातेहार जिला में तातापानी गर्म जलकुंड है। यह बरवाड़ी प्रखंड के लातेहार जिला में है और सुखारी नदी के किनारे स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चतरा जिले में स्थित गर्म जलकुंड। चतरा जिले में दुआरी या बलबल दुआरी जलकुंड है, गर्म जलकुंड है, जो बलबल गांव में स्थित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पलामू जिले में स्थित गर्म जलकुंड के बारे में। पलामू जिला में स्थित जो गर्म जलकुंड है वह है हुटार। यह उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में स्थित है। अब दोस्तों इसे भी इन तीन जिलों में जो गर्म जलकुंड है आइए उसे मैप के सहारे समझते हैं। दोस्तों पलामू में जो स्थित गर्म जलकुंड है यह है हुटार। चतरा में जो स्थित है गर्म जलकुंड वह है दुआरी या बलबल दुआरी। और लातेहार जिला में जो स्थित गर्म जलकुंड है वह है तातापानी गर्म जलकुंड। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।